देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जल्दी से उसकी जानकारी आपको दे दूं, और जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी। भीमराव अंबेडकर जयंती का आज मौका है और प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही एक और ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, षष्ठी पर मां कात्यायनी के विशेष पूजन का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है और देवी मां देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्यपूर्ण जीवन का आशीर्वाद दे। ये भी अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। बैक टू बैक ये दो ट्वीट है जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर ट्रिब्यूट दी है और जय भीम प्रधानमंत्री ने लिखा है। इस वीडियो को साझा करने के साथ भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ जब बहुत से लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया, उन्हें पीछे करने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि गरीब और पिछड़े परिवार का बेटा आगे न बढ़ पाए, कुछ बन न पाए, जीवन में कुछ हासिल न कर पाए। लेकिन न्यू इंडिया की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंडिया जो अंबेडकर का है, गरीबों का है, पिछड़ों का है। आज जब देश में मेक इन इंडिया का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडस्ट्रियल सुपर पावर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा था, उनका ही विजन आज हमारे लिए प्रेरणा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के शहरीकरण अर्बनाइजेशन पर भरोसा किया। उनके इस विजन को आगे बढ़ते हुए आज देश में स्मार्ट सिटीज मिशन और अर्बन मिशन की शुरुआत की गई। बाबा साहेब का सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता में दृढ़ विश्वास था। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया इनिशिएटिव हमारे युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेनर्स को जन्म दे रही है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री की तरफ से बाबा साहेब की जयंती के मौके पर यह ट्वीट किया गया जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की, बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही एक वीडियो उनकी तरफ से साझा किया गया है। किस तरीके से देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2 से 3 दिन पहले रैली के दौरान बाबा साहेब का जिक्र किया था, ये कहते हुए कि अगर बाबा साहेब स्वयं भी आ जाए तो संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे। और संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे कहने की वजह थी कि लगातार विपक्ष यह कहता रहा है कि 2024 में बीजेपी जीत जाएगी तो संविधान को खत्म कर देगी।